नमस्कार, जय श्री राम। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने मायके जाती है और अपने भाई को राखी बांधती है। परम पिता परमेश्वर हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं। अगर हम सब बहनें, सब भाई हैं, मंदिर में जाकर आपस में बहन भाई एक दूसरे को राखी बांधें, तो ये माता पिता को कितनी खुशी होगी। और एक ये त्यौहार भी होगा और आपस में भाईचारा भी बढ़ेगा। मेरा ये विचार है, ज़रा आप मेरी बहन जो है उसका भी विचार सुन लो। अभी आनंद साहब ने जो बताया सत्य है, इसके पीछे दो रहस्य होंगे। नंबर एक बहन भाई का प्यार और दूसरा हमारी हिंदू की यूनिटी। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे से परिचित होंगे, कौन आदमी कहाँ से आया, किसकी बहन किसकी है, ताकि सभी बहनें अपनी बहनें हैं, सभी भाई अपने, एकत्रित होने का एक साधन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक यूनिटी बनेगी, त्यौहार को मनाने की भी एक बल मिलेगा। इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, हमारे हिसाब से ये विचार बिल्कुल सही है। मंदिर में अगर इस तरह के प्रोग्राम हो, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। आप कुछ बोलो, जय श्री राम बोलो। नहीं, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हाँ, बहुत ही अच्छे लगे विचार भाई साहब ने जो दिए। असल में जो भी त्यौहार हैं वो आपस में एक दूसरे से मित्रता प्यार बढ़ाने के लिए हैं। हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और हमें भी नए नए तरीके सोचने चाहिए ताकि भाई बहनों में प्यार बढ़े और सभी में मित्र भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े और सभी सुखी हों, खुश हों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम।